भाभी जी घर पर हैं कि एक्टर दीपेश भान के निधन के बाद टीवी जगत के तमाम लोगों ने उन्हें याद किया। दीपेश की अचानक हुई मौत से हर कोई स्तब्ध है। दीपेश के निधन की खबर उनके साथी कलाकारों के लिए सदमे से कम नहीं थी। उनके साथ काम कर चुके तमाम लोगों ने उनके निधन पर शोक प्रकट किया। अब सालों पहले शो में अंगूरी भाभी का किरदार निभा चुकी शिल्पा शिंदे का रिएक्शन सामने आया है। शिल्पा शिंदे ने कहा कि जब उन्हें इस खबर के बारे में पता चली तो काफ़ी उदास हो गई। बता दें कि शिल्पा को शो छोड़े 6 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी मलखान उर्फ दीपेश भान को याद कर वो भावुक हो गई। शिल्पा ने कहा, वो बहुत अच्छे इंसान थे। शूटिंग के दौरान हम मस्ती किया करते थे। शो छोड़ने के बाद मेरा शो के कलाकारों से संपर्क नहीं रहा। मैं एक बार दीपेश को कॉल किया था, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में शिल्पा शिंदे ने बताया कि दीपेश शो के सेट पर उन्हें भाभी जी कहकर बुलाया करते थे। शिल्पा ने यह भी कहा कि उन्हें टीका का किरदार निभाने वाले वैभव माथुर ने बताया था कि दीपेश उन्हें याद किया करते थे। दीपेश ने वैभव से कहा था कि शिल्पा का फ़ोन नहीं उठाने पर उन्हें बुरा लगा था। शिल्पा का कहना है कि वो इस बात को समझती हैं। शो छोड़ने के बाद पूरी टीम ने उनसे दूरी बना ली थी, इसी कारण वो लोग मुझसे बात नहीं करते थे और दीपेश ने भी इसी कारण से मेरा फ़ोन नहीं उठाया। इसी के साथ शिल्पा ने दीपेश की आत्मा की शांति की प्रार्थना की और कहा कि वो अब बेहतर जगह पर होंगे। आपका इस स्टोरी पर क्या कहना है, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।